मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आइए इस शाम के वक्त में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें रात भर संभाल के रखा, हमें यह नया दिन दिखाया है और इस दिन में हमें संभाल के रखा है और आज के इस शाम का मौका दिया है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस शाम के वक्त में हम अपने सारे दुखों को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारे हर एक दुखों को दूर करता है। मेरे दोस्तों, इस शाम के वक्त में आपके जीवन में जितनी सारी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, चिंताएं हैं, आइए इस शाम के वक्त में हम प्रभु के हाथों में दे देंगे। तो आइए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर शाम में प्रभु जी, आज के इस दिन भर आपने हमें संभाल के रखा और ये मौका दिया कि प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति करें। प्रभु जी, आपने हमें संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में आपने हमें हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक दुश्मनों से प्रभु जी, हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु जी, आपने हमें बचा के रखा। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस शाम के वक्त में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को, उन सभी के परिवारों को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर शाम में प्रभु जी, आप उन लोगों को अपने चरणों में, अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित कर ले प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों की हर एक चिंताओं को, हर एक दुखों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु जी, वो लोग बहुत चिंतित हैं, वो लोग बहुत निराश हैं प्रभु जी, वो अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं प्रभु जी। लेकिन हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी, प्रभु जी जिन घरों में चिंताएँ हैं, समस्याएँ हैं, दुख हैं, बीमारी हैं प्रभु जी, उन लोगों की हर एक दुख बीमारियों को, चिंताओं को प्रभु जी तो दूर करने वाला है, क्योंकि प्रभु जी आप ही हम लोगों का सहारा है प्रभु जी, हम आप पे भरोसा करते हैं प्रभु जी। आपके वचनों में लिखा है कि जो भी आपकी ओर ताकता है वो कभी निराश नहीं होता प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम उसी भरोसे से आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु जी, आपसे विनती कर रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उन भाई बहनों के जीवन में हर एक दुख संकटों को, हर एक दुखों चिंताओं को प्रभु जी तो दूर कर। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में आपने हमारी रक्षा की, आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमें हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक संकटों से बचाया, हर एक दुश्मनों से बचा के रखा प्रभु जी, हर एक विषैले जीव जंतुओं से बचा के रखा। हे पिता परमेश्वर, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं प्रभु जी, आप ही हमारी सहायता करने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, आज के इस दिन में आपने हमारे परिवारों में शांति बनाए रखा। हे प्रभु जी, आपने हमारे परिवारों पर दया दिखाया, दया बरसाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन में हमें भोजन दिया। हे प्रभु जी, बहुत से लोगों को भोजन नहीं मिलता, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे घरों में भोजन दिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को प्रभु जी आपने जीवित रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके वचनों में लिखा है कि जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों को, उनके परिवारों को प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके चरणों में सौंपते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में उन्हें ढक ले, ताकि प्रभु जी आज के इस रात में, प्रभु जी आज के इस रात में वे हर एक बीमारियों से, हर एक विषैले जीव जंतुओं से प्रभु जी वे बचे रहे, क्योंकि प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरे में उड़ता है। हे प्रभु जी, तू ही हमारी रक्षा करता है। हे पिता परमेश्वर, हम उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आज के इस रात में उन्हें सुख की नींद दे, और प्रभु जी उन्हें एक और मौका दे कि फिर से कल आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपका धन्यवाद कर सके, क्योंकि प्रभु जी आप ही जीवन देने वाले हैं। हे प्रभु जी, सारी चीज़ें आपके ही हाथों में है। हे प्रभु जी, हमारे ऊपर आपका ही अधिकार है प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप ही हमें जीवित रखते हैं, आप ही हमें भोजन देते हैं, आप ही हमें शांति देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज की इस रात में हमें संभाल के रख,
हम आपसे विनती करते हैं और उन भाई बहनों के जीवन में जितने भी कर्जे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, और जिनके घरों में बीमारियां हैं, बहुत दिनों से बीमारियां हैं, ठीक नहीं हो रही, हे प्रभु जी उन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु जी उन लोगों पर दया कर और उनके हर एक रोगों को, उनकी हर एक बीमारियों को प्रभु जी तू चंगा कर, हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।